Large letters and making large letters is another activity. आप देखें इसको कि उससे क्या होता है कि when you make certain thing very large, तो sometimes almost equal to the size of a child, तो ये again एक बड़ी interesting चीज है which helps to involve the small kids very much. वो जो बड़े बड़े से letters होते हैं, you can use any materials. You can use the paper, you can use the cards, you can use some packing foam, or yeah, even blocks bhi hote hain sometimes. Aapke hardboards hain, aapke ye jo chipboards hain, all can be used to make these big letters. Aur inko aap karne ke baad, obviously jab aap classroom mein usko karte hain, introduce karte hain, either colored form mein, ya bachchon ko kehte hain color karein. So when इसके अंदर से बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो खुद से बन जाती हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी कि ये बोर्ड के ऊपर पिन्स हैं विच हैव बीन फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, एंड इट सीम्स कि एक थ्रेड के साथ उसको उन्होंने निट किया है, और वो जो करते हुए उसको इर्द गिर्द उसके बुनते हुए एक पूरी बिल्कुल कवर कर दिया है. सो ये थ्रेड से कलर्ड थ्रेड के साथ उन्होंने वो जो स्पेसेस हैं फिल की हुई है. पिन्स हैव बीन फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ द लेटर्स एंड दीज स्पेसेस हैव बीन फिल्ड बाय निटिंग द थ्रेड अराउंड दीज नीडल्स. तो ये लेकिन ये इस तरह से ऑब्वियसली आप क्लासरूम में कोई लंबा चौड़ा मटेरियल की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत सारा वो करके पिन से और थ्रेड से आप कर सकते हैं, और जितना भी मर्जी आप बड़ा लेटर आप चाहें आप बना सकते हैं. और इसमें एक एक्टिविटी भी बन जाती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है. दूसरी वाली पिक्चर आप देखें, इसमें ये बड़े बड़े लेटर्स हैं, मोस्ट प्रॉबली दीज हैव बीन डन ऑन द बोर्ड, एंड दीज पिक्चर्स जो कि छोटी छोटी अंदर ड्रॉ हुई हैं, इसकी जगह आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ए से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट आइटम्स आप बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उससे ना सिर्फ चाइल्ड विल बी रिमेम्बरिंग द लेटर, रादर दीज आइटम्स विल हेल्प हिम टू रिमेम्बर दैट लेटर. वो ए से एप्पल है, ए से एरोप्लेन है. सो ये जो लेटर्स अगर इसके अंदर बने हों ए के, या बी से रिलेटेड बने हों जिस तरह से ये फ्लावर्स बने हुए हैं, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प अ चाइल्ड टू रिमेम्बर दीज लेटर्स एंड दीज आइटम्स. उसको आप ना सिर्फ बना सकते हैं, रादर यू कैन कलर दैम, बिकॉज लार्जर लेटर्स विल गिव यू द स्पेस टू यूज दीज लेटर्स एज यू फील लाइक. उसमें आप कलर करवा सकते हैं, उसको आप अपने उससे जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं. अगले वाले को देखें, ये भी बड़े से लेटर्स हैं, बट दिस टाइम दिस मटेरियल इज डिफरेंट. मोस्ट प्रोबेबली दिस इज सम पैकिंग फॉर्म विच हैज बीन कट इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट लेटर्स, और उसको उसके साथ दीवार के साथ उन्होंने उसको किया हुआ है, और वो उससे वो लगा के वो रखे हुए हैं. नाउ दीज आर मूवेबल ऑल्सो, एंड यू कैन टेल द चाइल्ड टू गो टू दिस वन, टू stand by that one, to adjust him or herself by the letter, to take this letter. So these are different activities which can be generated through this one activity of large letters. और उसमें obviously एक छोटी चीज़ का जो image है वो इतना ज़्यादा powerful नहीं होता जितना कि एक बड़ी चीज़ का image होता है, especially for a child. तो उसको जब आप remember इन सारी activities को आप उसकी लाइट में देखें, आइडेंटिफाई कराने की लाइट में, ये इंट्रोड्यूस कराने की लाइट में, ये रिकग्नाइज कराने की लाइट में, तो आप एक बोर्ड के ऊपर छोटा सा ए लिख दें और एक एज कम्पेयर टू एक बड़ा सा ए बना दें जो कि एक दीवार के साथ रखा हुआ है, एंड यू टेल द चाइल्ड टू गो टू देयर, टू मूव इट, टू सी इट, तो ये इसमें बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है. और अगेन दिस क्लासरूम विल बी टीचर सेंटर्ड पार्टली एंड पार्टली स्टूडेंट सेंटर्ड. आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्लास है और योर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन टू दैट. तो ये एक एक्टिविटी इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर टीचिंग अल्फाबेट्स.